सिड्रा के फैंस के लिए आई शॉकिंग खबर। क्या रश्मि सिद्धार्थ को अब एक साथ नहीं देख पाएंगे फैंस? रश्मि सिद्धार्थ का रियलिटी शो हुआ बंद। आखिर क्यों मेकर्स को लेना पड़ा इतना बड़ा कदम? वेल, क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। खतरों के खिलाड़ी का स्पेशल सीजन, जिसमें सभी बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट कम्पीट करने वाले थे, वो अब कैंसिल होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अभी कुछ समय पहले ही खबरें थी कि बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के साथ कई और फेमस सेलेब्स दिखाई देने वाले हैं एक साथ खतरों से खेलते हुए। वहीं कहा ये भी जा रहा था कि इस बार का खतरों के खिलाड़ी का सीजन बेस्ट ऑफ ऑल सीजन बनेगा, क्योंकि इसमें सभी एक्स कंटेस्टेंट को लाया जाएगा जो ट्रॉफी के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते दिखाई देंगे। लेकिन अब इस सीजन को लेकर एक निराशाजनक खबर सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि ये शो अब नहीं बन पाएगा। आपको बता दें कि महामारी के चलते इस शो की शूटिंग को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि करंट सीजन के खत्म होते ही बेस्ट ऑफ ऑल सीजन को ऑन एयर किया जाने वाला था। वहीं आपको बता दें कि इस सीजन में जिन कंटेस्टेंट्स का नाम सामने आ रहा था वो थे रवि दुबे, हिना खान, ऋत्विक धनजानी, करण वाही, भारती सिंह। वेल, कहा तो ये भी जा रहा था कि भारती ने इस शो को ऑलरेडी साइन कर लिया है। वहीं बात करें बाकी एक्टर्स की, तो इनमें करिश्मा तन्ना, रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला का भी नाम सामने आ रहा था। आपको बता दें कि इस स्पेशल सीजन की स्पेशल शूटिंग थाईलैंड में होनी थी और इसकी डेट 2 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में तय की गई थी। हमने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कि इस समय जो कलर्स पर दिखाया जाने वाला करण खतरों का खिलाड़ी है उसे भी ऑफ एयर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी फिनाले की शूटिंग खत्म नहीं हो पाई थी। वेल, तो व्यूवर्स, आपको इस शो से जुड़ी खबर कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तब तक देखते रहें टेली मसाला।